सभी को मेरा सादर नमस्कार। जनसरोकार मंच टॉक बा देवेंद्र जी का सादर आभार। आज मैं शिल्पी पचौरी आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये है कोरोना का समय है। बहुत ही खराब और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ हमने देखी और काफ़ी ख़राब समय निकल चुका है और जो बचा है वो भी धीरे धीरे कट ही जाएगा। सब कुछ एकदम बिखर सा गया था ना इस कोरोना काल में। मजदूर वर्ग, उद्यमी वर्ग, सब कुछ बिखरा बिखरा सा था और अलग सा। लेकिन बस एक चीज़ थी जो बिखरने की बजाय दिन ब दिन निखर रही थी, वो थी प्रकृति। आसमान पहले से ज़्यादा नीला, साफ और सुंदर हुआ। नदियों का जल एकदम स्वच्छ हुआ। पक्षियों का कलरव, जीव जंतु सभी मतलब मानो आज़ाद से हो गए और प्रकृति का जो नूर था वो प्रकृति अपने पूरे यौवन पर थी। और इंसान भयभीत सा था, डरा हुआ सा था। कितना तरसते थे ना हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए। कितना तरस रहे थे ना हम एक दूसरे से मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, संवाद के लिए। इस कठिन परिस्थितियों में मुझे मेरी दीदी सोनू चौधरी दी, उनकी दो पंक्तियाँ याद आती हैं जो मुझे हमेशा संबल प्रदान करती हैं और जिससे मैं उत्साहित भी होती हूँ। आज मैं जिन्हें मैं आपको सुनाऊंगी। आज मैंने फूलों से बात की, आज मैंने फूलों से बात की, उन्हें बस खिलखिलाना आता है, उन्हें बस खिलखिलाना आता है। अब मैं अपनी एक गजल पेश करूंगी। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, बेवजह फिक्र से भी क्या होगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, बेवजह फिक्र से भी क्या होगा। वो किसी पर करे यकीन क्यों कर, वो किसी पर करे यकीन क्यों कर, जो किसी से कभी छला होगा। जीतना भी तो उसके हक में है, जीतना भी तो उसके हक में है, वक्त के तौर जो ढला होगा, तौर जो ढला होगा। बोलने में नहीं झिझकता है, बोलने में नहीं झिझकता है, फलसफा बहुत वो पढ़ा होगा, फलसफा वो बहुत पढ़ा होगा। चेहरा उसका खिला हुआ सा लगता है, चेहरा उसका खिला सा लगता है, क्या सुना, क्या सुना जिक्र नीत का होगा, क्या सुना जिक्र नीत का होगा। इसी कोरोना काल में मैंने भी एक पंक्ति लिखी थी। जब लॉकडाउन हो गया था, एकदम से कोरोना बहुत फैला और फिर लॉकडाउन हो गया, तो मैंने लिखा था कि हद ही बचाती है बेहद होने से। अब अपनी अगली रचना की ओर चलती हूँ। क्यों वो हमसे दूर जाते हैं, क्यों वो हमसे दूर जाते हैं, क्या राज कोई वो छुपाते हैं, क्या राज कोई वो छुपाते हैं। भेद करते नहीं खुशी गम में, भेद करते नहीं खुशी गम में, फूल खुशबू सदा लुटाते हैं, फूल खुशबू सदा लुटाते हैं। डाल लगती बहुत ही सुंदर है, डाल लगती बहुत ही सुंदर है, जब कभी ठग यूं चहचाते हैं, जब कभी ठग यूं चहता चहचाते हैं। छाँव किस तौर अब सुकून देगी, छाँव किस तौर अब सुकून देगी, ये मुसाफिर हमें बताते हैं,
ये मुसाफिर हमें बताते हैं। गौर से सुन कभी चमन को तू, गौर से सुन कभी चमन को तू, फूल पत्ते भी गीत गाते हैं, फूल पत्ते भी गीत गाते हैं। मंजिलें उनके पास आती हैं, मंजिलें उनके पास आती हैं, रास्ता खुद ही जो बनाते हैं। साधारण आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रचना किसी ने मुझसे कहा था, ये वाली रचना जरूर सुनाना, तो मैं सुना रही हूँ। होठ पे नाम बस तुम्हारा है, होठ पे नाम बस तुम्हारा है, बस इसी नाम का सहारा है। होठ पे नाम बस तुम्हारा है, बस इसी नाम का सहारा है। मंजिलें पास नजर आती हैं, मंजिलें पास नजर आती हैं, मुश्किलों को अगर विसारा है, मुश्किलों को अगर विशारा है। ख्वाहिशें सभी पूरी हो उससे, हेलो, नेटवर्क ने धोखा दे दिया। हम तो अपनी लय में बोले जा रहे थे। दोबारा शुरू करूं? इस समय मैं अपने चंबल क्षेत्र के भिंड जिले में हूँ, जहाँ से चंबल निकलती है, चंबल नदी। उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। चंबल बड़ी मशहूर है बागियों के लिए, डाकुओं के लिए, मान सिंह, पान सिंह, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, बड़े बड़े बागियों से हमारे चंबल मशहूर है। चंबल का जिक्र होते ही मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप सबकी एक शेर जो है बतौर एक खास पेश करूंगी। तुम्हारी याद का डाका पड़ा है, तुम्हारी याद का, तुम्हारी याद का डाका पड़ा है, जिंदगी हमारी चंबल हो गई। तुम्हारी याद का डाका पड़ा है, जिंदगी हमारी चंबल हो गई है। अब अपनी अगली रचना सुनाऊंगी। रखेगा याद सारा ये जमाना, रखेगा याद सारा ये जमाना, हमारा खूबसूरत सा फसाना। दिलों की बात जब होने लगे तो, दिलों की बात जब होने लगे तो समा लगता है कितना शायराना। ख्यालों में तेरे यूं हम हैं डूबे, ख्यालों में तेरे यूं हम हैं डूबे, परिंदा रूह का हो खुद से बेगाना, परिंदा रूह का हो खुद से बेगाना। बड़ी खूबी से रिश्ता निभाया है, बड़ी खूबी से रिश्ता निभाया है, सिखाया मुश्किलों में मुस्कुराना, सिखाया मुश्किलों में मुस्कुराना। उसे दे दूँ मैं सब खुशियाँ जहान की, उसे दे दूँ मैं सब खुशियाँ जहान की, बना दे चाहे मुझको तू दीवाना, बना दे चाहे मुझको तू दीवाना। अदा औरों से तो हटके है उसकी,
अदा औरों से तो हटके है तेरी, बनाया है मुझको आशिकाना। करूं उनकी इबादत अब मैं कैसे, करूं उनकी इबादत अब मैं कैसे। खुदा से जो मिला है एक खजाना, खुदा से जो मिला है एक खजाना। प्यार जो सच्चा करते हैं दिल में आया करते हैं, बातों में उलझा कर वो, बातों में उलझा कर वो झूठा वादा करते हैं। हिस्सों में खोया इंसान, इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगी। हिस्सों में खोया इंसान प्यार भी आधा करते हैं। हासिल प्यार नहीं कुछ भी, हासिल प्यार नहीं कुछ भी, वक्त को जाया करते हैं। अजीज तो वो होंगे ही, अजीज तो वो होंगे ही, हर सू छाया करते हैं। कृष्णा जैसा चाहे मीत, कृष्णा जैसा चाहे मीत, कृष्ण जैसा चाहे मीत, राधा राधा करते हैं, राधा राधा करते हैं। अगली गजल देखिए, एक मतला और कुछ शेर। बस उसी का ही नाम होता है, बस उसी का ही नाम होता है जो कि कर्मों से राम होता है। आशियां भी तभी लुभाता है, आशियां भी तभी लुभाता है दर पे जब तक विराम होता है, दर पे जब तक विराम होता है। हारते जिंदगी से नहीं जो, हारते जिंदगी से नहीं जो, पास उनके मकाम होता है, पास उनके मकाम होता है। चूर मद में कभी ना होना, चूर मद में कभी ना होना, पद भी आखिर गुलाम होता है, पद भी आखिर गुलाम होता है। चेहरा भी खिलता है तब, चेहरा भी खिलता है तब, मन में बसा श्याम होता है। वक्त के साथ जो नहीं चलते, वक्त के साथ जो नहीं चलते, काम उनका तमाम होता है, काम उनका तमाम होता है। दिल में बजती सी एक पायल है, दिल में बजती सी एक पायल है, हम पे छाया सा कोई बादल है। दीद हो जाए मीत की मुझको, दीद हो जाए मीत की मुझको, बेकरारी सी दिल में हर पल है, बेकरारी सी दिल में हर पल है। सोचती हूँ तुझे कभी जब भी, सोचती हूँ तुझे कभी जब भी, लोग कहते हैं ये तो पागल है, लोग कहते हैं ये तो पागल है। एक और रचना है जो मैंने कोरोना के समय लिखी थी, जब लोग बहुत डरे हुए थे और उस समय डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस यही सब थे जो हमारे खुदा बनकर आए थे, और इन्होंने लोगों को इस भयानक स्थिति से बचाया और रात दिन अपनी मेहनत से इस कोरोना काल का जो खतरा था उसको कम कर दिया। तभी मैंने एक रचना लिखी थी, इसे सुना रही हूँ। कौन किसका ख्याल करता है, कौन किसका ख्याल करता है, ये तो बस रब कमाल करता है। कौन किसका ख्याल करता है, ये तो बस रब कमाल करता है। जाने कब किस लिबास में आकर, जाने कब किस लिबास में आकर, सबकी वो देखभाल करता है, सबकी वो देखभाल करता है। छोड़ना मत कभी भी नेकी को, छोड़ना मत कभी भी नेकी को, सबको वो पायमाल करता है, सबको वो पायमाल करता है। फैसला खुद को लेना हो जब तो, फैसला खुद को लेना हो जब तो, मन में वो बोल चाल करता है, मन में वो बोल चाल करता है। जो किनारा अना से करते हैं, जो किनारा अना से करते हैं, रब उन्हें बेमिसाल करता है, रब उन्हें बेमिसाल करता है। इस साहित्य जगत में मुझे कई लोग मिले हैं, इसके लिए मैं विशेष तौर से जयपुर का शुक्रिया करूंगी। जयपुर मेरा ससुराल है
और यहाँ मेरा पियर है चंबल के क्षेत्र भिंड में और ग्वालियर में, वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई ग्वालियर से। लेकिन मेरा जो साहित्य स्वरूप है, मेरा जो काव्य स्वरूप है, मैं एक लेखिका के रूप में जो निखरी हूँ वो जयपुर से ही निखरी हूँ। इसमें खास तौर से रेणु दीदी, शब्द मुखर और सोनू दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही माया मृक सर, सत्यनारायण सर, इन सबसे मुझे हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं इनका जितना शुक्रिया करूं उतना कम ही है। एक और रचना पेश करूंगी। तू मुझे ऐसी मत सजा देना, तू मुझे ऐसी मत सजा देना, इश्क को ऐसे मत भुला देना, इश्क को ऐसे मत भुला देना। चाहते हो किसी के बनना, चाहते हो किसी के बनना, तो भूल कर भी नहीं दगा देना, भूल कर भी नहीं दगा देना। खार आए जो रास्ते में, खार आए जो रास्ते में, तो हौसले से उन्हें हटा देना, हौसले से उन्हें हटा देना। सारा एहसान बेगरज था, सारा एहसान बेगरज था, ये करके फिर तू उसे जता देना, करके फिर तू उसे जता देना। रोक दे जो तुम्हारे रस्तों को, रोक दे जो तुम्हारे रस्तों को, रोक दे जो तुम्हारे रस्तों को, ये शेर बतौर खास है। रोक दे जो तुम्हारे रस्तों को, आदतें सब वो तुम मिटा देना, आदतें सब वो तुम मिटा देना। सामने सच कहाँ निकलता है, सामने सच कहाँ, इल्जाम तो लगा देना, कोई इल्जाम तो लगा देना। खामखा ही शक्ल ये सवारी है, खामखा ही शक्ल ये सवारी है, मौत अब जिंदगी पे भारी है। अगली गजल है मेरी। खामखा ही शक्ल ये सवारी है, मौत अब जिंदगी पे भारी है। जीत जाती थी सबसे पहले जो, जीत जाती थी सबसे पहले जो, इश्क में हो के गुम बुहारी है, इश्क में हो के गुम बुहारी है। नूर से है भरा हुआ चेहरा, नूर से है भरा हुआ चेहरा, जीतने की ये आस जारी है, जीतने की ये आस जारी है। हारना यूं ना जिंदगी से भी, हारना यूं ना जिंदगी से भी, कौन सी आखिरी ये पारी है, कौन सी आखिरी ये पारी है। हर बशर खुद ही एक खिलौना है, हर बशर खुद ही एक खिलौना है, खुद को समझा है जो मदारी है, खुद को समझा है जो मदारी है। शुक्रिया। हमेशा दिलों में ये रगबत रहेगी, हमेशा दिलों में ये रगबत रहेगी, है जब तक ये दुनिया मोहब्बत रहेगी, है जब तक ये दुनिया मोहब्बत रहेगी। लुभाते सभी को हैं बच्चे वो ज्यादा, लुभाते सभी को हैं बच्चे वो ज्यादा, कि आदत में जिनकी शरारत रहेगी, कि आदत में जिनकी शरारत रहेगी। किनारे रखो तो कभी रौब अपना, किनारे रखो तो कभी रौब अपना, सभी के दिलों में फिर इज्जत रहेगी, सभी के दिलों में फिर इज्जत रहेगी। सदा हार होगी, ये शेर मैंने जब लिखा था जब भारत और चाइना का अभी जो हाल फिलहाल युद्ध हुआ था और हम जीत गए थे, वहां जाकर हमने दुश्मन को हराया था, तब मैंने ये शेर लिखा था। सदा हार होगी यहाँ सुन ले दुश्मन, सदा हार होगी यहाँ सुन ले दुश्मन, अमर अमर हर जवान की शहादत रहेगी, अमर हर जवान की शहादत रहेगी। करुणा बचाना सदा ही दिलों में, करुणा बचाना सदा ही दिलों में, गमों से भी एक दिन तो राहत रहेगी, गमों से भी एक दिन तो राहत रहेगी। बुरे हाल में जो निभाते हैं रिश्ते, बुरे हाल में जो निभाते हैं रिश्ते, कि उनके लिए ही इबादत रहेगी,
कि उनके लिए ही इबादत रहेगी। तू मुफलिश का घर जो सजा करके देखे, तू मुफलिश का घर जो सजा करके देखे, सदा ही खुदा की इनायत रहेगी, सदा ही खुदा की इनायत रहेगी, हमेशा दिलों में ये रगबत रहेगी, है जब तक ये दुनिया मोहब्बत रहेगी। अब मैं एक कविता पेश करूँगी। मैंने देखा है कि इस व्यस्तम जिंदगी में एकाकीपन का कोई शिकार हुआ है, जो अकेले हैं, जो किसी से वार्तालाप नहीं कर सकते जबकि वो करना चाहते हैं, उनके पास अनुभव है जो हम सबसे बांटना चाहते हैं, तो वो हैं बुजुर्ग। बुजुर्गों को हम अकेला छोड़ देते हैं, अधिकांशतः मैंने ये स्थिति देखी है, या फिर हम उनकी जिम्मेदारी बस इतनी समझते हैं कि वो हमारे बच्चों को स्कूल से ले आएं, उनको घुमाने ले जाएं, या बस थोड़ा ऐसे ही। लेकिन मुझे लगता है जो बुज़ुर्ग हमारा खजाना है, क्योंकि जितना वो हमें देते हैं उतना शायद ही हमारे लिए कोई और कर सके, या हम भी उनके लिए कर सकें। जैसे प्रकृति है सबसे बड़ी दानदाता, हमेशा देती ही रहती है, ऐसे ही बुज़ुर्ग होते हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, बस थोड़ा सा समय चाहते हैं, अपने मन मौन, वो आपसे संवाद करना चाहते हैं, आप उनके साथ मौन संवाद करिए, ये भी तो खुदा की एक नेमत ही होगी। क्यों ना हम एक समय का खाना अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ खाएं, उनसे कहानियाँ सुनें, थोड़ा सा उनके दिलों का जिक्र करें, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को हमारी फिक्र है। और बुज़ुर्गों का साथ मेरे मेरे हिसाब से तो खुदा के तोहफा ही है, तो जितना ले सकें आप उनसे, जितना आशीर्वाद पा सकें वो पाइए, लीजिए, और उन्हें थोड़ा सा समय और सम्मान सदा दीजिए। इन्हीं सब हालातों को देखते हुए मैंने एक रचना लिखी थी, जिसका शीर्षक है बुजुर्ग व दुर्ग। यह रचना मैंने दूरदर्शन राजस्थान का जो सृजन कार्यक्रम था उसमें भी सुनाई थी, और यह मेरी राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। घर में ऐसे लगे बुजुर्ग, घर में ऐसे लगे बुजुर्ग जैसे शहर में दुर्ग, घर में ऐसे लगे बुजुर्ग जैसे शहर में दुर्ग, अटल अविचल विशाल, ऐसे ही बुजुर्ग होते उसूलों की मिशाल, अटल अविचल विशाल, ऐसे ही बुजुर्ग होते उसूलों की मिशाल। दुर्ग शहर तो बुजुर्ग घराने की शान, दुर्ग शहर तो बुजुर्ग घराने की शान, दोनों का ही महफूज रखना है काम। दुर्ग इतिहास की धरोहर, बुजुर्ग घर की रौनक, दुर्ग इतिहास की धरोहर, बुजुर्ग घर की रौनक, दोनों ही समेटे अपने में कई अनुभव, दोनों ही समेटे अपने में कई अनुभव। दुर्ग के दिल नहीं होता, दुर्ग के दिल नहीं होता, इसलिए खंडर होने का दर्द नहीं होता। बुजुर्ग का दिल है, बुजुर्ग का दिल है, इसलिए घर के बवंडर से व्याकुल है, इसलिए घर के बवंडर से व्याकुल है। राजा की फतेह दुर्ग का अहम, संतान की फतेह बुजुर्ग का अहम, राजा की फतेह दुर्ग का अहम, संतान की फतेह बुजुर्ग का अहम, दुर्ग को देखने आए देशी विदेशी सैलानी, दुर्ग को देखने आए देशी विदेशी सैलानी, पर बुजुर्ग को कोई नहीं देखता यह है हैरानी, पर बुजुर्ग को कोई नहीं देखता यह है हैरानी, घर में ऐसे लगे बुजुर्ग जैसे शहर में दुर्ग। एक और रचना पेश करूंगी, मतलब देखिए। मेरी हस्ती अजीब हस्ती है, मेरी हस्ती अजीब हस्ती है, दर्द में भी यहाँ तो मस्ती है, दर्द में भी यहाँ तो मस्ती है, सब फकत नाप कर ही है बोले, सब फकत
नाप कर ही है बोले, एक अमीरों की ऐसी बस्ती है, एक अमीरों की ऐसी बस्ती है। बस ये प्रेम से ही, बस ये भर प्रेम से ही जाता है, बस ये भर प्रेम से ही जाता है। दिल की ये खुराक सस्ती है, दिल की ये खुराक सस्ती है। बस वही डूबती है ये अक्सर, बस वही डूबती है ये अक्सर। अहम में चूर यह जो हस्ती है, अहम में चूर ये जो हस्ती है। हाथ पर हाथ रख के बैठी हूँ, हाथ पर हाथ रख के बैठी हूँ। कामयाबी तो ऐसी डस्ती है, कामयाबी तो ऐसी डस्ती है। खूब मिलती है ये बिना मांगे, खूब मिलती है ये बिना मांगे। इस जहान में बुराई सस्ती है, इस जहान में बुराई सस्ती है। बेगरज रिश्ते अब कहाँ बोलो, बेगरज रिश्ते अब कहाँ बोलो। इनकी खातिर ये जान तरसती है, इनकी खातिर ये जान तरसती है। मेरे रोने की हकीकत थी जिसमें, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी। एक मुद्दत से वो कागज नम रहा, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी। एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। जो कहा वो ही किया है जिसने भी, जो कहा वो ही किया है जिसने भी। सच पे बस वो ही तो है कायम रहा, सच पे बस वो ही तो है कायम रहा। कैसे कहते दास्तान अपनी उन्हें, कैसे कहते दास्तान अपनी उन्हें। गर्म उनके लहजे का मौसम रहा, गर्म उनके लहजे का मौसम रहा। साथ जिसके मिला है हमको सुकून, साथ जिसके है मिला हमको सुकून। दूर बोलो क्यों वही हमदम रहा, दूर बोलो क्यों वही हमदम रहा। याद तेरी जब ना आई हो हमें, याद तेरी जब ना आई हो हमें। क्या कभी ऐसा भी है आलम रहा, क्या कभी ऐसा भी है आलम रहा। और मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे पसंद हैं, मैं वो भी सुनाऊंगी। ना तुम चलो मेरे हिसाब से, ना तुम चलो मेरे हिसाब से, ना मैं चलूं तुम्हारे। ना तुम चलो मेरे हिसाब से, ना मैं चलूं तुम्हारे। आओ दोनों हो जाएं थोड़े बेहिसाब से के बाद लौटिए। तो कहीं ना कहीं आपको नव निर्माण होता हुआ दिखेगा, कोई मकान बन रहा होगा, कोई दुकान बन रही होगी, कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। इस नव निर्माण के लिए जो घास गिरती है वो वृक्षों पर गिरती है। वृक्ष काट दिए जाते हैं, घनेदार सुंदर सुंदर वृक्षों को काट दिया जाता है। तो उसी स्थिति को लेकर भी मैंने एक शेर लिखा था। कौन सा नव निर्माण काट देगा जड़ों को, कौन सा नव निर्माण काट देगा जड़ों को। भयभीत सा हर सजर लगता है, कौन सा नव निर्माण काट देगा जड़ों को। भयभीत सा हर एक सजर लगता है। नया मकान बनाना चाहते हैं बच्चे, नया मकान बनाना चाहते हैं बच्चे। पुश्तैनी मकान खंडर लगता है, पुश्तैनी मकान खंडर लगता है। एक और रचना, बताए बिन समझता हाल मेरा, बताए बिन समझता हाल मेरा। मिला कभी ऐसा सोहबत नहीं है, मिला कभी ऐसा सोहबत नहीं है। करे वो जब व्यस्तता का आगाज, करे जब कोई व्यस्तता का आगाज। समझ लो तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ लो तुम्हारी जरूरत नहीं है।
दुखी को ही पीड़ा निरंतर मिलती है, दुखी को ही पीड़ा निरंतर मिलती है, रही क्यों सुख की कोई रवायत नहीं है, रही क्यों सुख की कोई रवायत नहीं है। और जो मजदूर थे, श्रमिक थे, अपने अपने घरों से दूर थे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बस जाना था, अपने घर पहुंचना था। तब एक शेर लिखा था, जिस हाल में थे उसी में चल दिए, जिस हाल में थे उसी में चल दिए, रुकने की श्रमिकों को मोहलत नहीं है, रुकने की श्रमिकों को मोहलत नहीं है। और मेरी मनपसंद रचना मेरे इष्ट देव मैंने कृष्ण जी को ध्यान में रखकर लिखी थी, जिसे आप सबको सुनाती हूँ। जैसे खुशबू बसे रुमालों में, जैसे खुशबू बसे रुमालों में, कृष्ण आए हैं यूं ख्यालों में, कृष्ण आए हैं यूं ख्यालों में। ज्ञान की बातें करते उद्धव जी, ज्ञान की बातें करते उद्धव जी, श्याम है बस हिया के आलों में, श्याम है बस हिया के आलों में। बाल स्वरूप ऐसा मन भावन, बाल स्वरूप ऐसा मन भावन, देखे माँ भी अपने लालों में, देखे माँ भी अपने लालों में। प्रभु के नाम में जो मद है वो, प्रभु के नाम में जो मद है वो, उतना होगा ना मैया के प्यालों में, उतना होगा ना मैया के प्यालों में। प्रेम की भूख मेरे कहना को, प्रेम की भूख मेरे कहना को, पा लिया विदुर के निवालों में, पा लिया विदुर के निवालों में। कृष्ण उपदेश सभी पढ़ लेना, कृष्ण उपदेश सभी पढ़ लेना, कभी उलझो जो माया जालों में, कभी उलझो जो माया जालों में। ब्रज में एक ही तो छैला है, ब्रज में एक ही तो छैला है, वो ही दिखता है ग्वाल गोपालों में, वो ही दिखता है ग्वाल गोपालों में। और चंबल नदी पर ही एक और शेर सुनाऊंगी। खूबसूरत थी ये कश्मीर की वादी जैसी, खूबसूरत थी ये कश्मीर की वादी जैसी, जिंदगी तेरे बिना लगती है चंबल की तरह, जिंदगी तेरे बिना लगती है चंबल की तरह। है आदत फितरती, है आदत फितरती, वफा क्या करोगे, दिया दर्द तुमने दवा क्या करोगे। है आदत फितरती, वफा क्या करोगे, दिया दर्द तुमने दवा क्या करोगे। ये घाटे का सौदा, ये घाटे का सौदा, ये घाटे का सौदा मोहब्बत तुम्हारी, ये घाटे का सौदा मोहब्बत तुम्हारी, ठगी के अलावा नफा क्या करोगे, ठगी के अलावा नफा क्या करोगे। शिल्पी घिर गए आके जैसे हो मकड़ी, शिल्पी घिर गए आके जैसे हो मकड़ी, बुरे बुरे फंसे अब नया क्या करोगे, बुरे फंसे अब नया क्या करोगे। एक और कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है बिखरना। आसान होता है बिखराव समेटने की तुलना में, आसान होता है बिखराव समेटने की तुलना में। बिखेर दिए जाते हैं हम महज एक दो गुफ्तगू में ही, जैसे कोई साड़ी वाला दुकानदार बिखेर देता है तमाम साड़ियाँ और ग्राहक लेता है मात्र एक साड़ी। उसके बाद दुकानदार तमाम देर तक समेटता रहता है साड़ियों को, लेकिन भावनाएं नहीं समेटी जाती एक बार बिखरने के बाद। बिखरता है
सिर्फ चैन और सुकून। बात आंखों से ही समझ जाते, बात आंखों से ही समझ जाते, मिलने वो इस कदर रही आया। घर को बांटा था दो दो हिस्सों में, घर को बांटा था दो दो हिस्सों में, इसीलिए तो कहर नहीं आया। निकला जो जमीन से फिर, निकला जो जमीन से फिर, हूबहू कभी सजर नहीं आया। वार पर वार करते हो जिससे, वार पर वार करते हो जिससे, सामने वो खंजर नहीं आया, सामने वो खंजर नहीं आया। और अंत में अपनी एक कविता के साथ आप सबसे विदा लूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है सुराख। सुराख स्वतः नहीं होते, सुराख स्वतः नहीं होते, ये तो किए जाते हैं दीवारों में उसे सुंदर बनाने के लिए, कभी घड़ी तो कभी बड़े बड़े छायाचित्रों द्वारा। एक सुराख मानव हिय में भी होता है, एक सुराख मानव हिय में भी होता है, लेकिन वो सुराख मानव को सुंदर नहीं बनाता। जब कोई अपना थाली में छेद करता है, वो सुराख सुंदर नहीं बनाता, बल्कि वो सुराख देता है सिर्फ खेद। शुक्रिया, धन्यवाद।